हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है, ठीक है, हमारी क्लासेस चल रही हैं रोजाना। ठीक है, जो कल वाली क्लास में मैंने कराया था धार्मिक आंदोलन 6वीं शताब्दी BC, धार्मिक आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे। और धार्मिक आंदोलन में मैंने भगवान आदिनाथ के बारे में बताया था। ठीक है, ये पहले तीर्थकर माने जाते हैं, जैन धर्म के पहले तीर्थकर भी माना जाता है इन्हें, इसे मैंने बताया। और धार्मिक आंदोलनों के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि देखिए धार्मिक आंदोलन का उदय क्यों हुआ और कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर धार्मिक आंदोलन का उदय माना जाता है। ठीक है, क्षेत्र की बात करें तो मैंने बताया था वहां पे कि गंगा और यमुना, ठीक है, गंगा और यमुना के दोआब वाला क्षेत्र था। गंगा और यमुना, गंगा व यमुना, ठीक है, गंगा व यमुना के मध्य वाला जो क्षेत्र था, इसमें धार्मिक आंदोलन का उदय होता है। क्योंकि आप देखेंगे, मैंने बताया भी था जो धार्मिक आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, गंगा और यमुना वाले दोआब क्षेत्र में हुई थी। क्योंकि यहाँ पर लोहे की खोज हो जाने के कारण जो महाजनपद उभर करके सामने आते हैं, द्वितीय नगरी क्रांति चलती है, फिर महाजनपद आते हैं। लेकिन धार्मिक आंदोलन के उदय का जो मेन कारण था, वो तीन मेन महत्वपूर्ण कारण भी माने गए थे, जिनमें एक कारण तो वही था कि जो वैदिक धर्म प्राचीन काल से चलता आ रहा था, उसमें ज्यादातर कर्मकांड आ गए थे। अब इन कर्मकांडों से निकलना चाह रहे थे लोग, और उन्होंने एक नए रास्ते को चुना जो धार्मिक आंदोलन थे, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे। दूसरा, मैंने बताया था कि इसमें वर्ण व्यवस्था का बहुत ज्यादा प्रचलन होने लगा था, यानी वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म पर आधारित थी, बाद में जाकर जन्म पर आधारित होगी, और वर्ण व्यवस्था फिर जातियों में बढ़नी शुरू हो गई थी, तो वहां पर इस चीज को लेकर के भी लोग इनसे बहुत ज्यादा नाराज थे। तीसरा जो मेन कारण था वो ये था कि जो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था थी हमारी, उसका विस्तार होता जा रहा था। लेकिन वैदिक धर्म में ज्यादा कर्मकांड आने के कारण वहां पर यज्ञ किए जा रहे थे, तो यज्ञों में सबसे ज्यादा पशुओं की बलि दी जा रही थी, जिस कारण लोगों ने इनसे रुख हर करना बंद कर दिया। और रुख किसकी तरफ किया था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जब नवीन धार्मिक आंदोलन का उदय हो रहा था, इनमें मैंने बताया था कि बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र में इनकी संख्या 62 बताई गई थी, जबकि जैन ग्रंथ कृतांक सूत्र में इनकी संख्या, ठीक है, 368 बताई गई है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण थे उसके धार्मिक आंदोलन के, जिन्हें मैंने जैन बताया था कि जैन का अर्थ होता है, ठीक है, जैन जिन जैन जो शब्द है वो जिन शब्द से मतलब मिलकर के बना है, जिस संस्कृत भाषा के जिन शब्द से मिलकर बना है, और इसका अर्थ होता है विजय, ठीक है। और इसके पहले जो तीर्थकर थे वो महावीर, पहले जो तीर्थकर थे भगवान आदिनाथ थे, इनको ऋषभ देव भी कहा जाता है। ऋषभ देव देव के बारे में मैंने पढ़ा, ऋषभ देव के बारे में हमने पढ़ा, और ऋषभ देव के बारे में मैंने बताया था। ऋषभ देव है, देखिए आपको ये जो इमेज दिख रही होगी, ये ऋषभ देव है, ये देखिए ऋषभ देव है ये, और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इनके जन्म और जन्म स्थान को लेकर की बात करें तो मैंने बताया था इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ये दो ही ऐसे, ठीक है, तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म के, जिनके बारे में जो उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद जब सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है आर्यों का, इस ऋग्वेद में केवल दो ही अरिष्टनेमी यानी 22वें तीर्थकर और पहले तीर्थकर ऋषभ देव के, दोनों के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इनके विषय में मैंने बताया था ऋषभ देव के बारे में कि ये सबसे पहले तीर्थकर माने जाते हैं, यानी किसके, जैन धर्म के पहले तीर्थकर माने जाते हैं। और इनका जो प्रतीक माना जाता है वृषभ माना जाता है, वृषभ, ठीक है, इनका जो प्रतीक माना जाता है वृषभ, ठीक है, याद रखना, इनका प्रतीक जो माना जाता है वो वृषभ को माना जाता है, वृषभ, ठीक है, कभी पूछ ले तो याद रखना। जैन धर्म के जो पहले वो थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह वृषभ था। ठीक है, क्या था, वृषभ, ठीक है, वृषभ आपने देखा भी होगा, राशि भी होती है, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ था। मैंने बताया था कि जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म हुआ था इनका अयोध्या में, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था इनका, अयोध्या में जन्म हुआ था। ठीक है, किसका, ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें, देखिए मृत्यु जो हुई थी इनकी, मृत्यु हुई थी इनकी कैलाश पर्वत पर, कहाँ, कैलाश पर्वत, तो कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कैलाश पर्वत वर्तमान, ठीक है, शिव, भगवान शिव का निवास स्थान बताते हैं वहां पर। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी कैलाश पर्वत पर। इनकी माता का नाम की बात करी थी हमने, माता का नाम मरु देवी, ठीक है, इनकी माता मरु देवी, ठीक है, मरु देवी, इनके इनके पिता का नाम था भृगुराज। ठीक है, क्या नाम था इनके पिता का, नाम भृगुराज, ठीक है, भृगराज, इनके पिता का नाम भृगराज था। और मैंने बताया भी था कि इनकी पिता, इनकी जो बेटी थी, दो बेटियां थी, एक का नाम था, ठीक है, एक का नाम था ब्रह्मी, दूसरी का नाम था सुंदरी, तो दो इनकी बेटियां थी। बेटों की बात करी थी मैंने, कि इनके बेटे के नाम की बात करें तो बेटे में मैंने बताया था लगभग इनके 100 पुत्र थे, यानी 102 पुत्र और पुत्रियों को मिलाकर के 102 बच्चे थे इनके। और इनकी मैंने पत्नियों के बारे में बताया था कि इनकी पत्नी का नाम नंदा और सुनंदा,
पत्नी कौन थी इनकी, ऋषभ देव की पत्नी की बात करें तो पत्नी पत्नी इनकी दो थी, ठीक है, एक का नाम था नंदा और एक का नाम था सुनंदा, ठीक है, सुनंदा। तो दो इनकी पत्नियां थी, नंदा और सुनंदा। ये राजा थे, ऋषभदेव एक राजा थे, राजा थे ये, और अपने पुत्र के पक्ष में ये राजपाट त्याग करके क्या बन गए थे, यति बन गए थे। यति मतलब सन्यासी, ठीक है, जो जिन्हें इस दिन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, यति बन गए थे। ऐसा माना जाता है कि एक बार इनके राज्य में अकाल पड़ा था, और अकाल बहुत बड़े स्तर पर पड़ा था, लोगों को खाने के लिए पीने के लिए भी कोई कोई चीज़ मिल नहीं रही थी। तो इन्होंने प्रार्थना करी भगवान से, या किसी भी चीज़ से प्रार्थना करी, और इन्होंने कहा कि मेरे राज्य से ये सूखा हट जाए, ठीक है। तो इनके ऐसा ही माना जाता है कि इनके सपने में कोई आए थे, उन्होंने कहा था कि जब तुम अपने राजपाट त्याग दोगे तो उसके बाद तुम्हारे जो राज्य की जितनी भी पत्तियां हैं वो हट जाएंगी। इन्होंने अपने पक्ष, अपने बेटे के पक्ष में राजपाट त्याग दिया और यति बन गए, और इनके बेटे का नाम था भरत। तो भरत के पक्ष में ये राजपाट त्याग करके यति बन गए थे, सन्यासी बन गए थे, और निकल पड़े थे अपने, ठीक है, सन्यासी रूप में। उसके बाद इनका बाद में बताया भी जाता है कि जो भारत नाम, भारत देश का जो भारत नाम पड़ा है, ठीक है, वो उन्हीं भरत के नाम पर पड़ा था जो इनके बेटे थे ऋषभदेव, और इनके एक बेटे का नाम और भी था बाहुबली, ठीक है। बाहुबली और भरत, इन दोनों के अलावा इनके 98 पुत्र और थे, ठीक है, जिनके बारे में उल्लेख की ऐसी कोई स्पष्ट या प्रमाणिक कोई जानकारी नहीं मिलती है। केवल दो ही पुत्रों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, भरत और बाहुबली के बारे में। बाहुबली वही जो श्रवण बेलगोला में एक बाहुबली की मूर्ति भी लगवाई गई थी, ठीक है, बाहुबली की 984 AD में, ठीक है, एक बाहुबली की मूर्ति लगवाई गई थी, ठीक है, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये अब इनकी पत्नी, ठीक है, इनकी पुत्री के नाम की बात करें, मैंने पुत्री भी बताया था, क्या नाम था इनकी पुत्री का, नाम था ब्रह्मी और सुंदरी, इनकी पुत्री का नाम था, ठीक है। मृत्यु कहाँ पर हुई थी इनकी, कैलाश पर्वत में। देखिए सामान्यतः इसमें कोई पूछता नहीं है, बस ये पूछता है कि ये पहले तीर्थंकर थे, याद रखना ऋषभ कौन थे, ये पहले तीर्थंकर थे, यानी देखिए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, ठीक है, पहले तीर्थंकर, ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ये, याद रखना तीर्थंकर, ठीक है। अब ये पहले तीर्थंकर, तीर्थ का मतलब क्या होता है, पहले तीर्थ का भी समझ लीजिए कि तीर्थ और कर, ठीक है। देखिए तीर्थंकर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है तीर्थ, ठीक है, एक होता है कर। देखिए कभी कभी अगर पूछ ले कि इन दोनों का अर्थ क्या होता है, तो देखिए तीर्थ का अर्थ होता है, ठीक है, तीर्थ का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति, ठीक है, तीर्थ का अर्थ होता है कि विधि नियम व उपनियमों से, यानी ऐसे विधि नियम और उपनियमों से जो इस संसार रूपी भवसागर को किसी मानव से पार उतार दे, यानी, ठीक है, उन नियम, ठीक है, तीर्थ का अर्थ होता है उन नियमों व उपनियमों, उन नियमों व उपनियमों से जो किसी व्यक्ति को, जो किसी व्यक्ति को इस संसार रूपी भव सागर से, ठीक है, क्या कर दे, पार उतार दे। यानी तीर्थ का अर्थ होता है कि ऐसे नियम और विधि नियम, ठीक है, विधि मतलब जो विधाता के द्वारा ऐसे नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, ठीक है, जो इस संसार रूपी भव सागर से किसी मनुष्य को पार उतार दे, ठीक है। और जहां भी कर का अर्थ होता है करने वाला या बनाने वाला, कर का अर्थ होता है करने वाला या बनाने वाला, ठीक है, करने वाला या बनाने वाला, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले एक निर्माण किया था, ठीक है, ऋषभ देव ने सबसे पहले, ठीक है, जो बनाया था एक नियम, यानी एक आंदोलन बनाया था, एक आंदोलन चलाया था, एक धर्म बनाया था, जिसे हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। चलिए, तो तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, तीर्थंकर दो शब्दों से मिलकर बना है, तीर्थ और कर। तीर्थ का मतलब होता है उन नियमों विधि नियमों, अभी भी आप देखते हो वर्तमान में बहुत से लोग तीर्थ पर जाते हैं, ठीक है, तीर्थ पर जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर लेते हैं, ठीक है, जी लेते हैं, उसके बाद वो तीर्थ के लिए निकलते हैं, चार धाम की यात्रा करते हैं, ठीक है, भगवान के दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से वो तीर्थ के लिए जाते हैं, यानी उन नियमों विधि नियमों से जो इस संसार रूपी भवसागर से उनको पार उतार दे। और तीर्थ यानी कर का मतलब होता करने वाला है, बनाने वाला, ठीक है। चलिए, ये तो थे ऋषभ देव के बारे में। अब करते हैं आगे, नेक्स्ट, हम यहाँ तक हम कल पढ़ भी चुके थे, वैसे एक बार रिवाइज कराया था मैंने आपको जल्दी। अब पढ़ेंगे हम पार्श्वनाथ के बारे में। देखिए पार्श्वनाथ, पहले एक बार आप इनकी इमेज देख लीजिए, ये है पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, ठीक है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थ, आपको ये इमेज दिख रही होगी, ये पार्श्वनाथ है। कौन है ये पार्श्वनाथ, ठीक है। अब इनके विषय में देखिए,
इनके पिता का नाम क्या था, ठीक है, कहाँ के निवासी थे, ठीक है, आपको दिख भी रहे होंगे ये, ठीक है, पार्श्वनाथ। चलिए शुरू करते हैं पार्श्वनाथ को, ठीक है। देखिए पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ की बात करें तो पहले ये देखते हैं हम पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ ये पहली बात तो देखिए क्या में तीर्थ करते, ये जो तीर्थ करते पार्श्वनाथ, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थ करते, ठीक है। तीर्थकर, पहले मैं लिख देता हूँ तीर्थकर, ठीक है। माता का नाम, पिता, ठीक है, माता पिता, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, माता पिता, ठीक है, गृह त्याग, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, स्थान, यानी कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। मेन मेन टॉपिकों को देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति, स्थान, ठीक है। इन्होंने जो तपस्या की थी, तपस्या के दिन की बात करें, तपस्या, तपस्या की बात करें, तपस्या इन्होंने जो तपस्या दिन करी थी, ठीक है। प्रमुख शिक्षाएं, इनकी जो प्रमुख शिक्षाएं, देखिए पूछा जाता है प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी इनकी प्रमुख शिक्षाएं थी, ठीक है, प्रमुख शिक्षाएं, ठीक है, प्रमुख शिक्षाएं देखिए। तीर्थकर की बात करें तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थ करते, ठीक है, कौन से तीर्थ करते, महावीर स्वामी जैन धर्म के 23वें तीर्थ करते, याद रखना कौन से तीर्थ कर, 23वें तीर्थ करते, ठीक है, पूछा जाता है ये 23वें, ठीक है, तीर्थ करते, 23वें तीर्थ करते। इनकी माता के नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम था वामा, क्या नाम था, वामा, ठीक है, माता का नाम वामा था, ठीक है। इनके पिता का नाम था, ठीक है, अश्वसेन, अश्वसेन, अश्वसेन इनके पिता थे और ये काशी के राजा थे, कहाँ के थे, काशी के राजा, काशी के राजा, ठीक है, ये काशी के राजा, पूछ भी लिया जाए तो याद रखना ये कहाँ के राजा थे, ये काशी के राजा थे, ठीक है। इनकी माता जो थी, माता नरवर्मन की पुत्री थी, इनकी माता का नाम था वामा और ये नरवर्मन, ठीक है, नरवर्मन, ठीक है, नरवर्मन, नरवर्मन की ये पुत्री थी। नरवर्मन की पुत्री, ठीक है, इनके पिता काशी के राजा थे। देखिए इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, कितने वर्ष के बाद, 30 वर्ष की अवस्था में, याद रखना, पूछ लिया जाए तो याद रखना 30 वर्ष की अवस्था में ये भी गृह त्याग दिया था इन्होंने, और गृह त्याग के बाद ये सीधा कहाँ चल पड़े थे, ये निकल पड़े थे तपस्या करने के लिए, ठीक है। 23वें तीर्थ करते, यहीं से देखिए शुरुआत में मानते हैं कि जैन धर्म की, ठीक है, ऋषभ देव का जो उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद से मिलता है वो तो पता ही है, लेकिन इनके जो जन्म की बात करें तो इनका जन्म महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी के जन्म से कम 250, ठीक है, लगभग 250 वर्ष पहले इनका जन्म हो चुका था, यानी कहने का मतलब है जब हमारे यहाँ पर उत्तर वैदिक काल चल रहा था तो उसी समय में लगभग 800 BC के आसपास इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति स्थान की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति स्थान इन्हें सम्मेद पर्वत पर, कहाँ, सम्मेद, ठीक है, सम्मेद पर्वत, ठीक है, सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं आपको, सम्मेद पर्वत पर तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने जो तपस्या करी थी, इन्होंने 83 दिन घोर तपस्या करी थी, कैसी करी थी, घोर तपस्या, ठीक है, तो 83 दिन इन्होंने घोर तपस्या करी, ठीक है, घोर तपस्या, 83 दिन की घोर तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति, पूछ लेते याद रखना कहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, किसको, पार्श्वनाथ को, कौन से तीर्थ करते, 23वें तीर्थ। इन्होंने देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने ज्ञान का प्रचार किया, प्रसार किया, और इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी, चार इन्होंने प्रमुख शिक्षाएं दी थी, ये पूछी जाती हैं। अब देखिए इनकी प्रमुख शिक्षाओं की बात करें तो चार इनकी प्रमुख शिक्षाएं थी, अब उन चार चार प्रमुख शिक्षाओं में बात करें, देखिए जो चार इनकी प्रमुख शिक्षाएं थी, कितनी, चार प्रमुख शिक्षाएं, ठीक है, चार प्रमुख शिक्षा थी इनकी, चार प्रमुख शिक्षाओं में पहला तो बात करें, देखिए पहली जो आती है, ठीक है, अहिंसा, ठीक है, कौन सी आती है, अहिंसा, पहला आता अहिंसा, अहिंसा, ठीक है, दूसरा था सत्य, अहिंसा सत्य, तीसरा था असत्य, ठीक है, चौथा था यहां पर अपरिग्रह,
ठीक है, चार इन्होंने प्रमुख शिक्षाएं दी थी, अहिंसा, ठीक है, मन वचन, ठीक है, मन वचन कर्म आदि के आदि से मुक्त होकर के किसी के प्रति हिंसा न रखना, यही अहिंसा था, इन्होंने कहा था ये। दूसरा सत्य है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी किसी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। असत्य, असत्य का मतलब होता है कि हमें किसी भी वस्तु को किसी बिगर पूछे किसी की वस्तु को हमें छूना नहीं चाहिए, ठीक है, हमें धन का संचय नहीं करना चाहिए, असत्य का मतलब होता है हमें धन का संचय नहीं करना चाहिए। वहीं इन जो अपरिग्रह का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए क्या होता है, अपरिग्रह का मतलब होता है कि हम बिगर पूछे हमें किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। अगर मान लीजिए हम बगैर पूछे किसी घर में चले भी गए तो वहां जाकर के उसके बिना अनुमति के उसकी वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। ये था असत्य का मतलब, अपरिग्रह का मतलब। जैसे कि मान ले आजकल के क्या होता है, आजकल में क्या होता है कि शादी वगैरह जो होती हैं, शादी जो होती हैं उनमें क्या होता है कि देखिए इनविटेशन एक का होता है लेकिन चार चार लोग नहीं चले जाते हैं बगैर पूछे, ठीक है, चलिए चले तो चले गए, ठीक है, प्लेट उठा के खाना भी खा लेते हैं बगैर पूछे। तो इन्होंने कहा था, यानी ऐसा मान लीजिए आज कि हम किसी के घर में घुस तो जाएं, यानी किसी के वहां पर चले तो जाएं, लेकिन उससे बगैर पूछे उसकी अनुमति के बिना हमें उसकी वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए, यही था अपरिग्रह। ऐसा देखा मतलब होता है हमें धन का संचय नहीं करना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये था कि साधु सन्यासी का काम सिर्फ इतना होता है कि दूसरों को ज्ञान देना, शिक्षा देना, ठीक है। एक साधु जो होता है, एक सन्यासी होता है, केवल उसको इतना मिल जाए कि वो अपना पेट भर ले, ठीक है, उसको उसको धन की क्या आवश्यकता है, उसे इस मोह माया से कोई मतलब ही नहीं है, तो उसे धन की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा तो यानी धन का हमें संचय नहीं करना चाहिए। बाद में इसी चीज को लेकर के मैं मतभेद भी होगा आगे जाकर के, महावीर स्वामी के, जब महावीर स्वामी आएंगे 24वें तीर्थकर, तो उनको लेकर के इनका पहली बार मतभेद होता है, इन्हीं के जो दामाद होते हैं महावीर स्वामी के, जमाली, उन्हीं के साथ इनका मतभेद भी हो जाता है। उसके बाद फिर एक और मतभेद और हो जाता है बाद में जाकर के, जो जैन धर्म में दो मतभेद भी होते हैं, ठीक है, दो संप्रदाय बनते हैं इनमें, दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदाय बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे बौद्ध धर्म में भी दो संप्रदाय आ जाते हैं, श्वेतांबर और, ठीक है, सॉरी आपके जो हीनयान और महायान आ जाते हैं वहां पे, ठीक है, हीनयानी और महायानी। हीन का मतलब होता है जो पुराने परंपरा से चल रहे थे, महान का मतलब होता है कुछ परिवर्तन चाहते थे, ठीक है, अभी आएंगे उस चीज को देकर के। तो आप फिर एक बार समझिए, अहिंसा का मतलब होता है मन वचन कर्म, किसी मन वचन कर्म, ठीक है, इनके इनसे युक्त होकर के किसी के प्रति हिंसा न रखना, ठीक है, यानी हम मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, किसी भी तरीके से हम दूसरे को हिंसा ना पहुंचाएं, यानी अहिंसा का हमेशा पालन करना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दूसरे को दुख पहुंचे, ठीक है, जिससे कि हिंसा पैदा हो। सत्य हमेशा हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ का उसमें यानी मिथ्या का हमें कभी भी, ठीक है, पालन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। असत्य, धन का संचय नहीं करना चाहिए, ठीक है, अभी मैंने बताया था धन की हमें क्या आवश्यकता है, ये ऐसा इन्होंने कहा था, सन्यासी का काम होता है, ठीक है, सन्यासी जीवन व्यतीत करना, तो इसलिए धन की क्या आवश्यकता है, धन संचय नहीं करना चाहिए। दूसरा अपरिग्रह, यानी बिना पूछे किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए, किसी घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर उसके घर में प्रवेश भी कर रहे हैं तो उसकी बगैर अनुमति के हमें उसकी वस्तुओं को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने शादी वाला एग्जाम्पल दिया था, वही किसी की शादी हो रही है तो उसमें बगैर पूछे कुछ लोग नहीं चले जाते हैं, जाते तो जाते हैं, प्लेट लेकर खाना भी खा जाते हैं बगैर पूछे उसकी अनुमति के, ठीक है। तो वही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखना अपरिग्रह, ठीक है। तो ये थे हमारे महावीर पार्श्वनाथ। अब इनके देखिए चार शिक्षाएं नहीं थी लेकिन पांचवी शिक्षा तो जोड़ी थी, ठीक है, जैन धर्म में पांच शिक्षाएं होती हैं और जो पांचवी शिक्षा, पांचवा व्रत जो जोड़ा था वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य, ठीक है। उन्होंने पांचवा भी जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि हमें बिना अनुमति के किसी स्त्री को देखना नहीं चाहिए, बिना अनुमति के, बिना उस स्त्री की अनुमति के हमें उसे ससर्ग भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, बात करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए जब तक वो स्त्री अनुमति ना दे, ठीक है। तो अभी आएगा उसमें ब्रह्मचर्य, वहां बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, और भी तो याद रखना। तो वैसे जैन धर्म में पांच शिक्षाएं थी, चार शिक्षाएं महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी, जबकि पांचवी शिक्षा जो दी गई थी महावीर स्वामी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। अब बात करें पार्श्वनाथ के प्रतीक की, तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह जो याद रखना, इनका प्रतीक भी पूछा जाता है, तो प्रतीक को याद रख लीजिए, जो महावीर स्वामी का प्रतीक है वो सर्प कर्ण है। क्या है? सर्प कर्ण। तो ठीक है, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह इनका जो प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक जो है इनका वो है सर्प कर्ण। क्या है? सर्प कर्ण, ठीक है, तो याद रखना, पूछ लिया जाता है सर्प कर्ण, ठीक है, सर्प कर्ण इनका प्रतीक चिन्ह है। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प कर्ण को माना जाता है, ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं।
चलिए आगे देखें नेक्स्ट। ठीक है, ये तो पार्श्वनाथ, अब चलते हैं महावीर स्वामी पर। अगले नेक्स्ट महावीर स्वामी। ठीक है, आप ये देख लीजिए पहले एक बार महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। ठीक है, ये दिखा होगा आपको चित्र। ठीक है, ये महावीर स्वामी है, आप इनको एक बार मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ पिक्चर को। ठीक है, ये है भगवान महावीर स्वामी और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थ करते हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये इनकी इमेज है और भी बहुत सारी आपको इमेज मिल जाएंगी, गूगल पर आप सर्च कर लीजिए, बहुत सारी इमेज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये महावीर स्वामी है। ठीक है, और जैन धर्म के कौन से तीर्थ करते हैं, 24वें तीर्थ करते हैं। चलिए, महावीर स्वामी इनके जीवन परिचय की अगर हम बात करें, सामान्य परिचय की हम बात करते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी के सामान्य परिचय की चलिए शुरुआत करें देरी के। अब चलते हैं महावीर स्वामी पर। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी के जन्म को लेकर के या महावीर स्वामी के, ठीक है, इनके इस चीज को लेकर के, इनमें जन्म को लेकर के भी इनके दो जन्म बताए जाते हैं, एक 599 बीसी बताया जाता है और एक 540 बीसी बताया जाता है। ठीक है, तो 599 बीसी के अनुसार जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 529 बीसी में इनकी मृत्यु मानी जाती है, और 540 बीसी के अनुसार जो इनकी मृत्यु मानी जाती है, ठीक है, वो कहाँ मानी जाती है, ठीक है, वो आपके मानी जाती है 466 के आसपास। ठीक है, इसकी इनकी मृत्यु मानी जाती है, किसकी, महावीर स्वामी की। लेकिन ज्यादातर जो जन्म मानते हैं इसका 599 बीसी ही मानते हैं इनका। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर स्वामी, ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान। इनके पिता के नाम की बात करें, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, यानी ज्ञात्रक क्षत्रियों के ये राजा थे इनके पिता। इनकी माता का नाम था त्रिशला, ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला या विदेहत्ता। ठीक है, वहीं इनके बात करें, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। देखिए, इनकी पत्नी और जो आता है, इनकी पत्नी और महात्मा बुद्ध की पत्नी, दोनों को लेकर के कुछ मतभेद हो जाते हैं। ठीक है, देखिए दोनों में कन्फ्यूज होते हैं, कैसे होते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, याद रखना, ये कल कराऊंगा मैं। ठीक है, आज थोड़ा मैं थोड़ा सामान्य सा परिचय दे देता हूँ इसका। ठीक है, इनको अलग तरीके से चलाएंगे, अलग तरीके से पढ़ाएंगे इनको। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। देखिए, इनका नाम बड़ा है। अब देखिए महात्मा बुद्ध का नाम देख लीजिए, महात्मा बुद्ध, ठीक है, बुद्ध, अब बुद्ध से याद रख लीजिए, बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है, बुद्ध। इनका नाम छोटा है, ठीक है, इनका नाम छोटा है और इनकी पत्नी का नाम बड़ा हो जाएगा, यशोधरा। ठीक है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम ज्यादा बड़ा है, ठीक है, और बुद्ध का नाम छोटा है, तो इनकी पत्नी का नाम ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और वहीं महावीर स्वामी का नाम बड़ा है, तो इसलिए इनकी पत्नी का नाम छोटा है, याद रखना। इनमें कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से, कि इनकी पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा है या फिर महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। तो याद रखना, महात्मा बुद्ध यानी बुद्ध नाम छोटा नाम है, इसलिए इनकी पत्नी का नाम बड़ा है, ठीक है, यशोधरा, और महावीर स्वामी इनका नाम बड़ा है, इसलिए इनकी पत्नी का नाम छोटा है। चलिए, ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट में बात करेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, जिसमें हमने पार्श्वनाथ करा, थोड़ा सा ऋषभ देव पढ़ा था, उसके बाद पार्श्वनाथ के बारे में पूरी तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्लास में महावीर स्वामी पढ़ेंगे, महावीर स्वामी के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।